नमस्कार। आज हम लोग जस्ट ऑटो ब्रॉडकास्ट करके एक नया चैनल बना रहे हैं और उसी चैनल का पहला वीडियो आज हम शूट करने जा रहे हैं। इस चैनल के ऊपर हम कंटिन्यू ऑटोमोबाइल में क्या चेंजेज हो रहा है, हमें ऑटोमोबाइल में कहाँ जाना है, ऑटोमोबाइल में फ्यूचर कैसा है, इनकम कैसी है, वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है और क्या नया अच्छा बन रहा है, उसके बारे में इस चैनल पे अलग अलग गेस्ट आएंगे और अपन उनके साथ बात करते रहेंगे। हमारे साथ मनोज भाई हैं, मनोज पटेल, जो बेसिकली गुजरात से हैं पर कई सालों से कनाडा सेटल हैं। अपना एजुकेशन यहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके कनाडा गए और वहाँ धीरे धीरे ऑटोमोबाइल में इतने बढ़िया सेट हो चुके हैं कि आज पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर इनका अपना नाम है कि ये ऑटोमोबाइल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और मेगाटोनिक के एक्सपर्ट के तौर पे कहलाए जाते हैं। साथ ही साथ एआई चीज़ें जो आ गई है, एआई से रिलेटेड आ गई है, उससे रिलेटेड कैलिब्रेशन के काम जो आ गए हैं वो मनोज बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी हमारे पास ये क्रैश कोर्स ECM रिपेयरिंग सीखने हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के तो ये बादशाह हैं और नंबर ऑफ टूल, प्रीमियम टूल्स, सारे चीज़ें मेरे ख्याल से इन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, जो इनसे अपन बात करेंगे कितना इन्वेस्ट किया है, क्या किया है, कैसे किया है, तो वो सारी चीज़ें चलेगी, डिस्कस करेंगे। तो वापस पुनः स्वागत और कोशिश करेंगे जस्ट ऑटो के इस ब्रॉडकास्ट चैनल पे बेहतरीन सब्जेक्ट लेके आएँ जो हमारे सारे लोगों को काम आए, हर ब्रॉडकास्ट देखने वाले को हर रोज़ कुछ न कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले। तो उसी से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं मनोज पटेल, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताएं सर। और कैसा रहा, अभी जस्ट ऑटो में आपका एक ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, कैसा गया ट्रेनिंग? ट्रेनिंग एकदम बढ़िया था। जो जब मैं आया था यहाँ पे तब मेरे पास कंपोनेंट लेवल पे जीरो नॉलेज था। अभी मैं एक हफ्ता हुआ है, मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, अभी मैं जा रहा हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 99% कोर्स सीख लिया है। 99% आपने कंप्लीट कर लिया। अभी 1% जो बाकी बचा है वो तो अभी क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ नया चैलेंजेस आते रहेंगे, तो वो 1% तब कंप्लीट हो जाएगा। राइट। अच्छा, प्रोग्रामिंग में तो आपको बहुत कुछ नॉलेज था, यहाँ जब आप आए तो ECM से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम था और की से रिलेटेड था, तो वो कंप्लीट हुआ। कैसा ये 10 दिन, मेरे ख्याल से 10 डेज, जिसमें 8 दिन आपने ट्रेनिंग लिया और फैकल्टीज ने आपको पूरा टाइम दिया, छोटा सा ब्रीफ चाहूँगा जस्ट ऑटो के बारे में। मैं जब आया था तब सर ने मेरे को बताया था 2 महीने का कोर्स है सब करके, तब मैंने उनको बोला था अगर आप 10-15 दिन में करवा सकते हो तो बेस्ट रहेगा कि मैं उसको अडेप्ट कर लूँगा, सीख लूँगा। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो मैंने जब स्टार्ट किया मेरे को लगा नहीं मैं कर पाऊँगा, पर जिस हिसाब से फैकल्टी ने मेरे को सिखाया और मोटिवेशन दिया, मैंने ऑलमोस्ट 8 to 10 days में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। अच्छा, उसके पीछे रीज़न ये था कि आपको पहले से सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप एक्सपर्ट था मैं, तो आधा टाइम तो वहीं बच गया, वहीं पे बच गया। मेन चीज था आपका हार्डवेयर कंपोनेंट नॉलेज और कुछ नए टूल जो आपने यूज नहीं किए वो सीखना था। और एजुकेशन तो आपका ऑलरेडी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, हाईली एजुकेटेड हो, तो मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर और इन चीज़ों में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यस सर। तो मनोज भाई, कैसे जाना हुआ कनाडा? और जैसे गुजराती सभी जाते ही हैं कनाडा, और हर आदमी इतना सक्सेस नहीं होता जितना आप वहाँ अपने आप को सक्सेस किया, तो अपनी एक जर्नी बताएं और जर्नी की भी आप कैसे कनाडा सेटल हुए, उसके बाद अपन ऑटोमोबाइल के भी डिस्कस करना चाहूँगा मैं आपसे कि फ्यूचर क्या है ऑटोमोबाइल का। अपनी एक छोटी सी जर्नी बताएं, एजुकेशन से लेके कहाँ वहाँ तक जो पहुँचे हैं आप। यस सर। मैंने यहाँ पे गुजरात में बी इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल में। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मैंने देखा, मेरे को जाना था ऑटोमोबाइल में, तो मैंने देखा यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो थोड़ी कम है कंपेटिव कनाडा, क्योंकि वहाँ पे सभी ब्रांड के ऑटोमेकर्स हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ है, तो मैंने सोचा वहाँ पे क्यों ना जाके कुछ सीखें। तो जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया तब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कोर्स किया। यहाँ ग्रेजुएशन किस में किया आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी GTU से, और गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हाँ, मेरा कॉलेज था विश्वकर्मा गवर्नमेंट। ओके, अच्छा कॉलेज है, गुजरात में एक अच्छा नाम है उसका। हाँ राइट।
फिर वहाँ पे गया, फिर मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में वहाँ पे डिप्लोमा किया, एक दो साल इंडस्ट्री में काम किया। फिर सब जानते हैं कोविड हिट हुआ, तब कई लोगों का जॉब ले ऑफ हुआ, कई इंडस्ट्रीज डाउन हो गई, तब मैंने शिफ्ट किया ऑटोमोबाइल में। मतलब वो राइट टाइम पे आपने शिफ्ट किया? हाँ। फिर मैंने ऑटोमोबाइल में शिफ्ट किया, तब मैं स्टार्टिंग के एक दो साल मैंने बॉडी शॉप में काम किया एज अ एस्टिमेटर, कैसे जब कार एक्सीडेंट होती है तो उसको रिपेयर में आती है तो उसको कैसे एनालाइज करना, उसका एस्टिमेशन कैसे बनाना, और पूरा प्रोसेस से लेके जब कार डिलीवरी तक हो जाए जी। फिर मैंने पाइवट किया इलेक्ट्रिकल लाइन में। ओके। फिर मैं गया इलेक्ट्रिकल में, फिर देखा चलो प्रोग्रामिंग से मैंने चालू किया, एडास कैलिब्रेशन से चालू किया, फिर पता चला नहीं नहीं अभी इससे काम नहीं होगा तो प्रोग्रामिंग में जाना पड़ेगा। अच्छा, एडास कैलिब्रेशन आपने कौन से ईयर में चालू किया? मैंने चालू किया 2019 में। 2019 में पटेल साहब ने एडास कैलिब्रेशन स्टार्ट किया है, और इंडिया में मेरे ख्याल से 0.01% लोगों को भी एडास कैलिब्रेशन नहीं आता है, क्योंकि अभी गाड़ियां आई है एडास वाली, तो ये हमसे 4 साल आगे चल रहे हैं, पर अभी इंडिया फास्ट ग्रोथ कर रहा है। राइट, सही है। तो मतलब आपने 4 साल पहले यहाँ एडास, अब सुन रहे हैं, आपने 4 साल पहले एडास कैलिब्रेशन करके ये समझ लिया कि मुझे इससे भी आगे जाना होगा। तो मतलब इंडिया को तो अभी बहुत कुछ सीखना है, इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखना है, या मैकेनिक्स को बहुत कुछ सीखना है। राइट 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 राइट। फिर आपने एडास के बाद क्या किया? एडास में गया, फिर देखा अभी एडास में अगर हम नए मॉड्यूल डाल रहे हैं, नए रेडार और ब्लाइंड स्पॉट वो सब मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अगर अपने को कैलिब्रेशन करना है तो सबसे पहले उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। राइट, अगर उसको एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कैलिब्रेशन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मैंने प्रोग्रामिंग में गया, फिर मैंने एक टूल लिया, दूसरा टूल लिया, फिर पता चला टूल कम पड़ रहे हैं, तो जैसे जैसे चैलेंजेस आते गए, जैसे जैसे नई कार आती गई, वैसे वैसे टूल्स में इन्वेस्टमेंट किया, प्रोग्रामिंग में सीखा, मैं कमा के किया। आज की डेट में आपके पास अप्रोक्स कितने इंडियन रुपीज में कितने लाख के टूल होंगे? 10 से 15 लाख के आसपास। 10 से 15, मेरे ख्याल से ज्यादा होंगे। ज्यादा होगा, पर मैं अप्रोक्स बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि आपके मुझे आपने जो टूल बताए थे, क्योंकि आपके पास एक एडास कैलिब्रेशन का जो टूल है, यदि मैं ओटेल का लेने जाऊं वो कंपनी का टूल, तो वो करीबन 20 लाख का है। 20 लाख के आसपास है। राइट, तो वो तो एक टूल तो आपके पास वही है, आप थोड़ा सा डॉलर और इंडियन रेट पे थोड़ा फर्क हो गया भाई। नहीं, अभी कन्वर्जेशन मेरा पूरा कनेडियन में मैं बोलता हूं, तो कनेडियन में बोलूंगा तो मेरे को ज्यादा आईडिया आएगा, कन्वर्ट करूंगा तो थोड़ा यहां वहां पे हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपके पास कैनेडियन अमाउंट में भी यदि आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से 35-40 हजार के आसपास आराम से। हाँ, वो उससे ज्यादा ही जाएगा। रीजन है क्योंकि जो आपके पास अभी उस वक्त जो टूल खरीदे थे आपने, वो उन टूलों की कॉस्ट आज 2 टाइम्स हो चुकी है आराम से, है ना? आराम से। जब वो एडास कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है वो 20 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं, और फुली एडास कैलिब्रेशन टूल जो चाहिए वो मेरे ख्याल से 37 लाख रुपीज का आ रहा है, जिसमें पूरी गाड़ी के चारों पहियों के साथ 8 कैमरे और जितने भी कैमरेज हैं, विंडशील्ड का, ग्लास के, व्लास के, वो सबको कैलिब्रेट करता है, तो वो तो बहुत महंगा टूल है। अच्छा, वहाँ पे लाइट को भी कैलिब्रेट करने के लिए टूल होते हैं? हाँ। पर हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है? भी आइडिया नहीं है। इंडिया में दीवार के ऊपर ही लाइट को ऊपर नीचे करके देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको लाइट को देखना है या लाइट बल्ब सेट हुआ या नहीं हुआ है, तो उसके लिए इंडिया में क्या करते हैं, दीवार के ऊपर उसको फॉक्स को चेक करते हैं, और वहाँ मशीन ही आ जाती है ऊपर। मतलब अभी तो क्या है ना, अभी तो उसमें भी सेंसर आ गए। अच्छा, वो अभी फुल्ली ऑटोमेटिकली होता है। अच्छा, सारा वो भी फुल ऑटोमेटिक हो चुका है। मतलब अभी हमको, हमारे लिए फ्यूचर है, अभी हमें बहुत सारी चीजें सिखा के डिलीवर करना है हमको इंडिया में। एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली बढ़ रही है ना, अगर दो साल के पीछे की टेक्नोलॉजी देखो, अभी की टेक्नोलॉजी देखो, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहा, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को रहता है अपने को। तो ये सारी टेक्नोलॉजी से आप गए, इतने सारे टूल खरीदे, क्या लगता है कि जैसे ECM रिपेयरिंग आप मेरे पास आके सीखे, तो हार्डवेयर में हम बहुत बढ़िया हैं,
सॉफ्टवेयर में भी आपने देखा हमारे पास बहुत सारे टूल हैं। हाँ। आपने कहा उतने करीबन हमारे पास भी 40-1 लाख रुपए के तो सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर और सारे स्कैनिंग और टूल मिला के देखें तो 40 लाख प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। यस सर। और आपने देखे ही होंगे हमारे सारे टूल। हाँ। और उम्मीद है कि इंडिया का पहला एडास कैलिब्रेशन का सिस्टम प्राइवेटली वो मेरे यही लगेगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 6 मंथ वो लग जाए। सही है। तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाएं, आपसे भी हमको मदद लेनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि आप अच्छा एडास के साथ आप और मेगाटोनिक पे भी काम करते हैं वहाँ पे। हाँ, एडास आ गया, मॉड्यूल्स प्रोग्रामिंग आ गए, ECM प्रोग्रामिंग आ गए भी, अगर नए मॉड्यूल है तो प्रोग्रामिंग हो जाएंगे। पर अभी ऐसे चैलेंजिंग सभी क्या आ रहा है ना कि अगर हमको नए ECMs लेने, मार्केट में जाओगे तो जंकयार्ड में भी नहीं मिलेंगे, डीलर के पास जाओगे तो वो भी बोलेंगे अभी नो ETA, कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अपने पास वही ऑप्शन रहता है कि उसको रिपेयर करें और कस्टमर को कार्ड डिलीवर करें। राइट। कई बार क्या होता है ना, रिटेल कस्टमर भी होते हैं और कई बार फ्लीट कस्टमर भी होते हैं जिनका क्या बोलते हैं घर उसी पे ही चलता है। तो अगर कार एक दिन भी रुकती है, एक हफ्ता भी रुकती है तो उनका वो अर्निंग का इनकम कम हो जाएगा। राइट। मतलब ये बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि प्रोग्रामिंग और जो ये मॉड्यूल्स हैं वो केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, सभी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग, आपके वहाँ नए मॉड्यूल नहीं मिल रहे हैं और हमारे यहाँ पुराने तो मिल रहे हैं पर नए नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ BS4 की चीज़ें मांगोगे तो ऑलमोस्ट मिल जाएगी, BS6 की चीज़ें नहीं मिलती इंडिया में, वहाँ लेटेस्ट मिल जाती है पर पुरानी नहीं मिलती। नहीं, कई बार दोनों वाइस वर्सा चलते हैं। ओके। एक चीज और है अभी इंडिया में एक प्रॉब्लम कि मॉड्यूल्स तो मिल जाते हैं पर लोग जो हैं उसको कैलिब्रेट नहीं कर पाते प्रॉपर। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि टूल्स। और दूसरा एक चीज और प्रॉब्लम मानता हूँ कि जितने महंगे टूल आ रहे हैं उस हिसाब से उसको उतना पैसा नहीं मिलता है। यदि मैं एक अच्छा ऑनलाइन कैलिब्रेशन का टूल खरीदूँ तो आई होप सो कि जैसे मैंने अल्ट्रा लिया है तो वो 4,50,000 का, 4.5 लाख का टूल है। अब मुझे मर्सिडीज का ऑनलाइन प्रोग्रामिंग लेना है और मर्सिडीज का अपनी एक जो 3 साल का जो देते हैं सॉफ्टवेयर वो किस कॉस्ट का आता है कनाडा में, मुझे बताएंगे? अगर हमको वहाँ पे लेना है तो वो लोग ऐसा नहीं है कि भाई हमने आपको सॉफ्टवेयर दे दिया, हार्डवेयर हम नहीं देंगे, हार्डवेयर अलग से दे दिया, सॉफ्टवेयर नहीं देंगे, या फिर 1 साल का आपको दे देंगे। अगर वहाँ से लेना है तो वो बोलेंगे 3 साल का आपको सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर हमसे ही लेना है। हाँ। अगर कनेडियन डॉलर में बोले तो इट्स गोइंग टू अराउंड 50,000 प्लस टैक्स। 50,000 प्लस टैक्स? हाँ। वहाँ टैक्स कितना है? 13% के आसपास। 13%। तो मैं ये मान लूँ कि 56,000 के आसपास। और एक कैनेडियन डॉलर की क्या रेट है अभी आज की तारीख में? होगी 66 कैनेडियन डॉलर। तो 36, ओ बाप रे, 36 लाख रुपीस करीब खर्च हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है ना, मॉड्यूल नया डाला तो उसको कॉन्फ़िगरेशन करना ही पड़ेगा। पर उतनी गाड़ियां होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, इनफ होनी नहीं चाहिए। तो आप उसको प्रॉफिट को मीट आउट नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। पर वहाँ चार्ज भी अच्छा लेते होंगे। हाँ। अब सेम चीज इंडिया में प्रॉब्लम है। अच्छा। यदि मुझे ऑनलाइन करना है और मैं यदि उनको कहूँ आप एक किसी भी मॉड्यूल को ऑनलाइन करते हैं, मर्सिडीज या जेगुआर और आपका लेक्सस। हाँ। तो मिनिमम चार्ज क्या रहता है? अगर डिपेंड, अगर मार्केट में और भी बंदे हैं उसको कर रहे हैं तो उसका रेंज अराउंड 300-500 के आसपास रहता है। अगर चैलेंजिंग कार है, चैलेंजिंग सॉफ्टवेयर है, मार्केट में सबके पास नहीं है तो प्राइस 1,000-1,500 के आसपास भी जा सकते। $1,000 को मैं 36 से मतलब 260,000। हाँ। पर ये 260,000 भाई अपने पास जेब में नहीं आते पूरे। वो 260,000 रुपये एक दिन के कैलिब्रेशन के मिलते हैं पर उसके लिए आपके पास इतने महंगे टूल होने चाहिए और आप ट्रेंड इंजीनियर होने चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। राइट राइट राइट। मतलब बिजनेस है। हाँ। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको मेरे ख्याल से और एजुकेशन लेना पड़ेगा और ट्रेंड होना पड़ेगा। हाँ, ट्रेनिंग तो चाहिए। अगर कोई नया टूल आ रहा है मार्केट में, नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं तो ट्रेनिंग तो मस्ट है। ट्रेनिंग मस्ट है। नहीं तो आप उस चीज को सीख भी नहीं पाएंगे। और एक बार कोई सी टूल में गलती हो गई। हाँ। गलती से वो ECM फ्लैश हो गया। हाँ, या गलती से कुछ गलत डेटा चला गया तो वो पैसा लग गया। हाँ, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो
मेरा एक क्या बोलते हैं क्लाइंट शॉप था, तो उनके पास मर्सिडीज आई थी, बॉडी शॉप राइट. ओके. तो अभी 21-22 की मर्सिडीज होगी, तो अगर उसके आप हेडलाइट ही पकड़ लो तो वो 4-5 हज़ार के डॉलर के आसपास आती है. ओ बाप रे. अगर आपने कोई रॉन्ग टूल से कोई गलत कैलिब्रेशन फाइल उसको फ्लैश कर दी तो 4-5 हज़ार की हेडलाइट बेकार बेकार डन है. ओहो. मतलब मैं जहाँ तक मनोज भाई से समझ रहा हूँ, ये आपको जो हमने ये मनोज भाई से मिलाने का एक ही रीज़न है कि हम समझें कि इंडिया अभी भी बहुत सस्ता है, चाहे ट्रेनिंग के मामले में. जस्ट ऑटो तो बहुत सस्ता है ट्रेनिंग के मामले में, जिस तरह की हम फैसिलिटी दे रहे हैं. दूसरा कि आपको ट्रेंड होना पड़ेगा. अब वो चीज़ नहीं रही कि जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकें गाड़ी पे. 2022 के बाद की प्रीमियम कार और 2023 की जो नई गाड़ियाँ अभी है, मारुति की अच्छे सेगमेंट की भी गाड़ियाँ हैं, तो उसके लिए भी आपको ट्रेंड होना पड़ेगा और आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखनी होगी. और सीखने के लिए ऐसा नहीं कि मैंने टूल खरीद लिया मैं उससे चला जाऊँ, ट्रेंड आदमी से सीखना पड़ेगा. और ऐसा भी नहीं है कि भाई क्या बोलते हैं टूल तो हमने ले लिया, ऐसा भी नहीं है कि भाई ट्रेनिंग के लिए कस्टमर की कार है तो उस पर एक्सपेरिमेंट करें. नहीं कर सकते. अगर एक मॉड्यूल भी यहाँ वहाँ पे गलती से कोई गलत फाइल फ्लैश कर दी, गलत टूल से फ्लैश कर दी, तो आपका तो पैसा गया. पैसा गया और कस्टमर की कार वहीं पर डेड हो गई, कार वहीं पर शॉप पर पड़ी रहेगी. फिर अभी उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी किस पे आएगी? आप पे ही आएगी कि अपने खुद के पैसे निकालने पड़ेंगे उसको रिपेयर करने के लिए. नहीं कमाया उससे ज्यादा देना पड़ेगा. देना पड़ेगा. कई बार क्या होता है ना, कार की वैल्यू 4 लाख होती है, रिपेयर करने में 6 लाख चले गए. ओ बाप रे. मतलब इन सब चीजों का भी ध्यान रखना. हाँ. कितना मार्केट है ट्रेंड लोगों का इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में फ्यूचर में? मार्केट तो बड़ा है. प्लेसमेंट क्या लगता है कि आजकल मैं कई यूनिवर्सिटियों से बात करता हूँ, हमारे साथ जैसे GTU का एग्रीमेंट हो गया, GTU ने भी हमारे कोर्स, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी की में भी हमारा एक कोर्स चल रहा है. सही है. और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके साथ हमारे MOU चल रहे हैं, कई प्राइवेट कंपनियाँ हैं जिनके साथ हमारे MOU चल रहे हैं, उन सबको उनकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर रहे हैं. कई कुछ एक दो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट हैं जिनके वायरिंग और ECM का काम केवल हम करते हैं पूरे गुजरात का. तो इस तरह के लोग अब आने लगे हैं, पर उन सब के सामने एक ही चैलेंज है कि हमको वैसा मेन पावर नहीं मिल रहा है. और प्रॉब्लम वो तो सभी जगह पे है. तो कनाडा में भी सेम है? मेरे को दुबई उबई से बहुत कॉल आते हैं, मेन पावर दे दो. कनाडा में भी सेम प्रॉब्लम है मेन पावर. आप ऑटोमोबाइल में बोलो तो हर साल 3,000 लोग इंडस्ट्री से कम हो रहे हैं. उतने आ नहीं रहे. यहाँ इंडिया की मैं कई कॉलेजों से भी बात कर रहा हूँ तो उनके एडमिशन कम हो रहे हैं ऑटोमोबाइल में, जबकि एडमिशन की अब जरूरत है. जरूरत है, बढ़ने चाहिए. तो मेरे ख्याल से कि मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2 साल में हर यूनिवर्सिटी को इन कोर्सों पे फोकस करना चाहिए. हाँ, उनको क्या बोलते हैं कोर्सेज को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, अभी के हिसाब से नए कोर्सेज को ऐड करना चाहिए. अभी हमारे वहाँ पे क्या है कि हाइब्रिड व्हीकल्स ज़्यादा आ रही है, EV व्हीकल्स ज़्यादा आ रही है, तो वो कोर्सेज लाने चाहिए. और मैंने बोला वैसे ही प्रोग्रामिंग भी बढ़ रहा है अभी, तो वो भी आना चाहिए. ECM रिपेयर भी आना चाहिए. ऑनलाइन प्रोग्रामिंग भी बहुत बढ़ रहा है. ऑनलाइन प्रोग्रामिंग एक पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है, एक वेल एजुकेटेड आदमी ही कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सर्वर पे खेल है सारा. यस. और मेरे ख्याल से एक ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में जैसे आप कोई प्रीमियम कार करते हैं तो कितने GB डेटा अपलोड डाउनलोड होता होगा? आराम से 1-2 GB पर मॉड्यूल, अगर कार में 40 मॉड्यूल है तो उस हिसाब से तो 30 GB, मतलब पर मॉड्यूल 1 GB के आसपास. किसी में कम किसी में ज़्यादा. अभी बीमर जैसी कार है तो उसमें क्या बोलते हैं मॉड्यूल की साइज़ ज़्यादा होती है. अभी टोयोटा लेक्सस की कार है तो 501 MB में भी हो जाती है. तो इंडिया में अभी कम मॉड्यूल की गाड़ियाँ हैं, ECM, BCM, EPS और कुछ चीज़ें और हैं. हाँ. और उनमें तो कम से कम ऐसे 40 मॉडल हैं. आप समझें कि यहाँ पर इंडियन कार्स में या इंडियन कार्स के सभी जगह जहाँ छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं वहाँ ECM है, BCM है, एयरबैग मॉडल है, आपका इमो का है, ऐसे करके 5-7 मॉडल होंगे. पर प्रीमियम गाड़ी में जैसे पटेल साहब बता रहे 40 मॉडल, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं.
तो 35-40 मॉड्यूल होते हैं, तो इतनी चीज़ों का आने वाले टाइम में खराब होगी पर उसको हमको रिपेयर करना है। तो इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बढ़ रही है, गैजेट्स बढ़ रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा फ्यूचर में इनकम आ सकती है। एग्जैक्टली तो लोगों को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? एग्जैक्टली यस, कि आपको एक परफेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। और पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कि वहाँ लोग नहीं मिल रहे हैं, मैकेनिक्स नहीं मिल रहे हैं, प्रोग्रामर नहीं मिल रहे हैं। अब तो ये कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल में प्रोग्रामर्स की जरूरत है। एग्जैक्टली प्रोग्रामर नहीं मिल रहे हैं, वायरिंग वाले लोग नहीं मिल रहे हैं जिसपे हमें काम करना चाहिए। पहले चीज़ क्या थी ना, अगर चलो अपना ABS मॉड्यूल खराब हो रहा है ना, तो पुरानी कार में से लगा लिया या फिर नया ला के लगा लिया, स्वैप कर लिया, चल जाएगा। अभी क्या है ना, अभी ABS मॉडल भी नया डाल रहे हो तो उसको प्रोग्रामिंग करना ही पड़ेगा, तभी वो कार चलेगी। उस गाड़ी से कैलिब्रेट करना पड़ेगा, पहले केवल की को करना पड़ता था, की को करना पड़ता था, अब तो बहुत सारी चीजों को करना पड़ेगा। पहले क्या होता था ना, अगर अपनी कार की चाबी है तो ऐसे ही चल जाती थी, फिर उसमें सिक्योरिटी ऑप्शन आया, फिर उन लोगों ने ECM में भी सिक्योरिटी दिया, कार की चाबी का मॉडल में भी सिक्योरिटी दिया, अभी ECM में भी दे रहे हैं, कार की चाबी में भी दे रहे, TCM में भी दे रहे, ABS मॉडल में भी दे रहे। तो अगर एक भी चीज़ ऑडोमीटर में भी दे रहे, ऑडोमीटर में भी दे रहे, एक भी चीज़ स्वैप किया तो प्रोग्रामिंग करके सबको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। ये चैलेंजिंग वर्क है, इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल वर्क है। वहाँ पर मेरा जो एक सर्वे हमने किया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक्सीडेंटल का वर्क कम है, क्योंकि वहाँ कहते हैं कि यदि एक्सीडेंट हुई तो गाड़ी क्रैश वो पूरी बिखर जाती है। अच्छा, है ना? और रीसेल का मार्केट नहीं, पर अब कनाडा में रीसेल का मार्केट बढ़ गया है। कनाडा में रीसेल का मार्केट भी बढ़ा है और बॉडी शॉप में भी मार्केट बढ़ा है। वहाँ पे मोस्टली क्या होता है ना, अगर कार एक्सीडेंट होती है तो ज़्यादा उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो वो रिपेयर में ही जाएगी, रिपेयर होके कस्टमर को दे देते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, अगर ज़्यादा गाड़ी ठुकी है तो फिर रिपेयर में जाती है, प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर रिपेयर होता है, फिर वो रीसेल में चली जाती है। अच्छा, कस्टमर से निकल के रीसेल में चले जाते। देखिए, रीसेल का मार्केट, कस्टमर का मार्केट, सेकंड हैंड का मार्केट अब केवल इंडिया में ही नहीं रहा है, सभी जगह बढ़ रहा है। और ये सभी जगहों पे इसलिए ज़रूरत है क्योंकि गाड़ियों की कॉस्टिंग बहुत बढ़ गई है और हर आदमी चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो, तो सभी लोग गाड़ियाँ लेने में लगे। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब कोविड हिट हुआ था, चिप शॉर्टिंग हुई थी, तो क्या हो रहा था ना, नई कार मार्केट में नहीं आ रही थी। तो अगर कोई बंदा अभी उसने लाइसेंस लिया है, उसको ज़रूरत आ रही है कि भाई उसको कहीं पे जाना है, कार के बिना जा ही नहीं सकते हैं, तो वो कहाँ पे जाएगा? तो यूज़ कार में ही जाएगा, राइट? रीसेल कार में ही जाएगा, तो उसकी वजह से भी रीसेल का मार्केट बढ़ा है। रीसेल का भी मार्केट अच्छा है, धीरे धीरे सभी जगह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो मैं ये मानता हूँ, आपसे बात करके मुझे ये लग रहा है कि ऑटोमोबाइल का फील्ड बड़ा होने वाला है। एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग पे लोगों को जाना पड़ेगा। आप 4 साल पहले एडास पे काम कर चुके हैं और अब एडास तो से बहुत आगे आ चुका है वहाँ पे। मैंने तो काम चालू किया था 19 में, पर वहाँ पे अगर हम होंडा की, टोयोटा की कार में देखें, एडास 2016 की कारों से चालू है। ओके, और कई फोर्ड की कार है और जर्मन कार में है, तो उसमें एडास 2010-11 से चालू है वहाँ पर। ओके, मतलब अभी हम थोड़ा पीछे हैं। पीछे हैं, हाँ। पर अभी जो इंडिया में जो नई गाड़ियाँ आ रही है वो वहाँ की गाड़ियों से कितनी एडवांस है या अभी भी थोड़ा पीछे हैं? अभी भी पीछे है थोड़ा। जो जर्मन कार है, जर्मन कार आप बोल सकते हो, वो वहाँ पे जो है वो यहीं पे सेम है। हाँ। पर एशियन कार्स है, इंडियन कार्स है, वो काफ़ी पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ एडास एंड अदर टेक्नोलॉजी। ओके, इसका क्या कारण हो सकता है? कि महंगा होगा फिर ये सब गाड़ियों का रेट, प्राइस, सर्विसिंग? हाँ, उनके सेंसर्स महंगे आते हैं और कैलिब्रेशन, और मैंने बोला प्रोग्रामिंग, वो सब ज़्यादा रहता है उसमें। आपने मुझे एक चीज़ और सजेस्ट की कि ऑनलाइन प्रोग्रामिंग स्टार्ट की जाए। हाँ, रिमोट सर्विसेज रिमोट सर्विसेज, यस, जैसे जो कल हमने की। हाँ, होटल में ऑप्शन आते हैं वो रिमोट एक्सपोर्ट का, वहाँ पे US नॉर्थ अमेरिका मार्केट में चालू है और अभी लास्ट ईयर या ये ईयर उन लोगों ने UK में भी चालू किया था। राइट, सो आई बिलीव उनको इंडिया में भी चालू करना चाहिए। नहीं, वो करेंगे, जहाँ तक हमारा होटल के साथ एग्रीमेंट पे हुआ, होटल से जो बात हुई, उन्होंने हमें कहा कि हम बहुत जल्दी ये इंडिया में लेके आने वाले हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इस फील्ड में हमें और मेहनत करना पड़ेगा, जस्ट ऑटो को भी अभी बहुत सीखना पड़ेगा,
हम सीख रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जो नहीं आई, जैसे एडास पे मैंने आपको बताया, एआई पे हमने आपको बताया, और भी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग पे हमने आपको बताया। हम कुछ ऐसे टूल भी बना रहे हैं कि वो, जैसे आपने देखा हमारा जेमेट, कैसा लगा जेमेट आपको? जेमेट एक नंबर। अब उसको हमें जर्मन कारों के लिए, उन सब के लिए बनाना है। अच्छा। हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिकन कार्स वगैरह को उसके ऊपर कैसे लेके आए। मैंने एक ट्रक चलाया था अपना इटली का, इवोका, इवोक करके। अच्छा। बस ऐसा लगा जैसे मैं कार चला रहा हूँ, एक हेवी ट्रक, वो 5,000 सीसी का होगा वो हेवी ट्रक जो रिक खींचता है। हाँ, वो 5.3, 5.8 HD करके था। हाँ। तो इतना स्मूथ स्टेरिंग, ऑटोमेटिक, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कब गियर चेंज हो रहे हैं उसमें। हाँ। इतना सॉफ्ट ट्रक। हम उसका कैलिब्रेशन करने गए थे। अच्छा अच्छा। और बहुत अच्छा पैसा मिला। सही है। और जबरदस्त ट्रक थे वो, ONGC में थे। अच्छा। जबरदस्त ट्रक थे। तो वहाँ तो सब वैसे ही ट्रक होंगे। हाँ, मोस्टली वैसे ही है। अभी वॉल्वो है, पीटरबिल्ट है, डेट्रॉइट डीजल है। कभी इसमें आपने प्रोग्रामिंग का काम किया है? कमिंस पे किया है। कमिंस पे किया है? हाँ, एक दो बार किया। मैं मोस्टली जैसे बोला है, कार पे मेरा ज्यादा है, पर कई बार क्या होता है ना, मैकेनिक दोस्त भी है अपने, ट्रक मैकेनिक दोस्त भी है, तो उनके पास सॉफ्टवेयर रहता है पर समझ में नहीं आता, तो आपको जाते हैं? जाता हूँ मैं। आप अपने आप को कितना अपडेट करते हैं इन सब चीज़ों के लिए? बार बार कितना पढ़ना पड़ता है, कितना सीखना पड़ता है आपको एवरी ईयर? एवरी ईयर मैं बोलूँ तो कार में मिनिमम में 100 से 150 मॉड्यूल्स एवरी ईयर कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ। सीखना पड़ता है? सीखना पड़ता है, यहाँ वहाँ से, यूट्यूब से, जैसे मैंने ट्रेनिंग लिया आपके वहाँ से, वहाँ पे भी एक दो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से, तो अपडेट करना रहता पड़ता है अपने अपने नॉलेज के लिए और अपने क्लाइंट के लिए। कितने महंगे हैं वहाँ के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? बहुत बहुत महंगे, बहुत महंगे। मैं अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ से तो 30-40 टाइम्स, 30 से 40 गुना। यदि मैं यहाँ 50,000 ले रहा हूँ तो वहाँ मैं आके 6 लाख रुपये ले सकता हूँ, 8 लाख रुपये ले सकता हूँ आराम से। देखिए हम कितना सस्ता सिखा रहे हैं आपको। अगर अगर हम फोर व्हील ऑटोमोटिव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट होते हैं तो उनका दो साल का कोर्स होता है। ओके। तो अगर दो साल में चार सेमेस्टर में अभी का प्राइस देख ले तो 8 से 9 हज़ार कैनेडियन डॉलर, तो उसको मल्टीप्लाई करें 4, बहुत तो महंगा, आराम से 35-36,000 कैनेडियन डॉलर। तो मेरे ख्याल से हमें हमारे व्यूअर्स को ये बोलना चाहिए कि ऑटोमोबाइल फील्ड में बहुत बिजनेस है, आप फोकस कीजिए, सीखिए, और इसमें मजा भी आएगा। जिसको गाड़ी पे मजा आता है, क्योंकि केवल अब मैकेनिकल वर्क नहीं रहा है, अब स्मार्ट काम है, आप प्रोग्रामर बनिए। अभी अभी पहले क्या था ना कि मैकेनिक बंदा है तो हम उसको एज अ मैकेनिक की तरह ही दिखते थे। अभी वो फील्ड डिवाइड हो चुकी है, एज अ मैकेनिक में, एज अ बॉडी शॉप में, और एज अ प्रोग्रामर में, तीन चीजों में। कैसे वर्कशॉप होते हैं वहाँ पे? स्मार्ट वर्कशॉप होते हैं? स्मार्ट वर्कशॉप होते हैं मोस्टली वहाँ पे, तीन कैटेगरी में मैंने बोला वैसे वर्कशॉप होते हैं। एक जो डेडिकेटेड बॉडी शॉप ही कर रहा है, एक डेडिकेटेड मैकेनिक शॉप ही कर रहा है, और एक डेडिकेटेड वायरिंग इलेक्ट्रिशियन प्रोग्रामिंग वैसा। अच्छा, लुक कैसा होता है? इंडिया में जैसी दुकानें होती है वैसी होती है या कुछ सुंदर अच्छी होती है? अच्छी होती है, वहाँ पे सेफ्टी नंबर वन है। सेफ्टी का लोग ज़्यादा वहाँ पे ध्यान रखते हैं। अगर बॉडी शॉप में बंदा काम कर रहा है तो मास्क पहन के काम कर रहा है, ही केयर्स अबाउट हिज सेफ्टी। अगर उसको ज़्यादा जीना है तो थोड़ा केयर करता है अपनी। ग्लव्स पहनते हैं? हाँ, ग्लव्स, सेफ्टी शूज पहनते हैं। सेफ्टी शूज पहनते हैं, सेफ्टी शूज मस्ट है वहाँ, हर एक आदमी पहनेगा। अगर आप कोई भी मैकेनिक शॉप में जाओगे तो सेफ्टी शूज मस्ट है। Okay. अगर अगर क्या है ना, अगर हम कोई भी कार पे काम कर रहे हैं, अगर उसका उसका लेट्स से उसको हॉइस्ट पे लगाया है, अगर कुछ चीज़ बाईपास नीचे गिरी तो सीधा पैर पे गिरेगी। अगर टायर गिरा, ब्रेक गिरा, एक बार पैर पे गिरा, अपना पैर खलास, राइट? पर इंडियन तो नहीं सोचता ऐसा। सोचना चाहिए उनको, सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए उनको। या तो ग्लव्स की तो बहुत दूर की बात है, जूते वाकई नहीं पहनते। अच्छा। मास्क तो कोई कलर करने वाले भी मैंने देखे बहुत कम लोग लगाते हैं। अच्छा। और मैंने यहाँ बहुत कम सेफ्टी देखी है कि वो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अच्छा। पाने पकड़ से रिलेटेड नहीं। और मैंने कुछ वर्कशॉप के वहाँ फोटोग्राफ्स देखे, बकायदा मैनेज, वो लोग ज़्यादा ऐसे स्मार्ट भी दिखते हैं, काम करते हुए भी स्मार्ट दिखते हैं। हमारे यहाँ वाले को तो वो महीने या दो महीने में एक बार कपड़ा चेंज करता है और पूरा काला होने के बाद वो फेंक देता है।
अच्छा आपके यहाँ तो वैसा नहीं? नहीं मतलब क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म ही रखते हैं, अपने शॉप में एक वॉशिंग मशीन रखते हैं, अगर हफ्ते के 3-4 जोड़ी भी है तो उसको धो देते हैं वीकेंड पे, फिर मंडे से वही चालू। अच्छा एक वर्कशॉप में वॉशिंग मशीन भी होता है? क्या क्या ऐसी चीज़ें आपके वर्कशॉप में, ऐसी क्या यूनिक चीज़ें जो यहाँ नहीं है? मेरे पास अगर ये सेफ्टी और ये दूसरी चीज़ें जो टूल पाने पकड़ के अलावा, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का एक पूरा स्टेशन बना है शोल्डरिंग के लिए, वो सब के लिए। मेरे को उस टाइम पे, मैंने बोला हार्डवेयर पे कुछ आइडिया नहीं था, पर मैं प्रिपेयर था कि ये चीज़ आएगी, तो मैं प्रिपेयर था कि लेके रखना है, अगर आ रही है तो काम करेगी उस पर, राइट। वो लेके रखे हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है ना, अगर ऑयल यहाँ वहाँ पे डंप नहीं करते हैं, तो प्रॉपर जितना कार का जो हम यूज्ड ऑयल है तो उसको स्टोर करते हैं, और वहाँ पे हर मैकेनिक शॉप के बाहर एक बड़ा टंकी होता है, तो वहाँ पे डंप कर देते हैं। ओके फिर जब वो फुल हो जाती है तो जो डंपिंग वाले होते हैं उनको बुलाते हैं, वो बड़ा अपना ट्रक लेके आते हैं, पूरा ऑयल लेके चले जाते हैं। पैसा देते हैं? पैसा देते हैं, कई बार पैसा लेते भी हैं। लेते भी हैं? पहले क्या था ना कि अगर कोई फोन करते थे तो वो आता था, पहले वो पैसे दे के जाता था, अभी पिछले 1-2 साल से देख रहे वो पैसे हमको देने पड़ रहे डंपिंग के लिए। हमारे यहाँ तो ऑयल बेच देते हैं, कबाड़ बेच देते हैं। अच्छा उसका भी पैसा था, इंडिया में तो बेचते हैं ना। कबाड़ का ऐसा है कि भाई अगर लेट्स से मेटल स्क्रैप होता है तो कोई फेंकने नहीं जाता, एक कबाड़ी वाला घूमता रहता है, भाई कुछ कबाड़े तो दे दो, कुछ कबाड़े तो दे दो, तो ऐसे 40-50 रोटर भेगे हो गए, टायर्स और मेटल स्क्रैप वो हो गया, तो उसको दे देता है, फिर वो $30-40 दे के चला जाता है। ऑयल का पैसा नहीं मिलता? ऑयल का देना पड़ता है। यहाँ ऑयल का अच्छा पैसा है, मतलब फ्यूचर में हमको भी एक बार ड्रम बनाना होगा, एक बार सिस्टम बनाना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपडेट करनी पड़ेगी, और स्मार्ट गाड़ी के लिए हर एक मैकेनिक भाई से मैं कहूँगा कि एक अपना स्मार्ट वर्कशॉप बनाएं। यदि उस स्मार्ट वर्कशॉप बनाने में आपको हेल्प चाहिए तो आप जस्ट ऑटो को कॉल करें, हमारे साथ आएँ, हम एक ये भी चालू कर रहे हैं कि स्मार्ट वर्कशॉप कैसे बनने चाहिए ताकि लोग कॉन्फिडेंस से आपको आके गाड़ी दें। नहीं और क्या है ना, अगर मैकेनिक अपने जो मैकेनिक भाई अच्छे से काम करेंगे, थोड़े कम गंदे हो गए, तो क्या है ना, अगर वो कस्टमर की कार हैंडल कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा कम गंदा करेंगे, अगर वो खुद ऑयल में हो गए तो वो कस्टमर की कार को भी गंदा करेंगे। तो जैसा वर्कशॉप होगा तो कस्टमर देखेगा, अगर ये अच्छा वर्कशॉप है तो कस्टमर के दिमाग में वो इम्प्रेशन बनेगा कि यहाँ पे काम अच्छा होता होगा, तो वहाँ पे वो जाना प्रीफर करेंगे। अगर वर्कशॉप ही गंदा है, यहाँ वहाँ पे सब पड़ा है, तो कस्टमर भी थोड़ा जाने में हिचकिचाएगा। हाँ वो डरते हैं, प्रीमियम गाड़ी तो मोस्ट ऑफली डरती है, जो 25 लाख से ऊपर की गाड़ी है वो लोग हर एक जगह अपनी गाड़ी नहीं देते, क्योंकि वो सीट पे या कहीं पे भी काला दाग लग जाए तो उसको साफ करना भी बड़ा मुश्किल काम। अभी लोग इंडिया में मोस्टली सर्विस सेंटर पे जाना क्यों पसंद करते हैं, वो वहाँ पे जाते तो वो एक एक्सपीरियंस फील करते हैं, क्लीनिनेस फील करते हैं, अगर काउंटर भी जाते हैं, अगर अंदर शॉप में भी जाते हैं, वहाँ काउंटर तक जाते हैं तो दे फील क्लीनिनेस। अच्छा आपके वहाँ पे सभी लोग नई गाड़ियाँ भी बाहर आ जाते हैं सर्विस? हाँ के कंपनी में ही जाती है मोस्टली लोग वहाँ पे। क्या होता है ना, अपने अपने मैकेनिक शॉप होते हैं, अपने अपने बॉडी शॉप होते हैं, प्रीफर उनके होते हैं कि मैं कुछ भी मैकेनिक का कुछ काम आया तो यही शॉप पे जाके करवाऊंगा। अच्छा कंपनी की जरूरत नहीं? कंपनी की जरूरत नहीं है। और आप लोग ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ओरिजिनल OEM के साथ भी काम करते हैं? OEM के साथ भी और आफ्टर मार्केट भी, दोनों करते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट आती है, अगर पुरानी कार है तो आफ्टर मार्केट स्कैनिंग टूल से रेगुलर फंक्शन हो जाते हैं, अगर अभी नई कार की हम बात करें तो नई कार में वो फंक्शन एक्टिविटी नहीं होते आफ्टर मार्केट में, तो OEM की जरूरत रहती है अपने को। अच्छा आपके वहाँ टेस्ला भी? टेस्ला है अपने पास वहाँ पे। टेस्ला है, टेस्ला जैसी और कोई गाड़ी है जो ऑटो चलती है ऑटो पायलट पे? अभी वॉल्वो की सब ब्रांड है, लूसीड आई थिंक, लूसीड करके हैं, लूसीड आ चुकी है, हाँ वो चलती है। हमारे यहाँ महिंद्रा है, सही है, महिंद्रा 700 ऑटो पायलट चलती है, सही है। और अभी MG एक्टर ने एक और गाड़ी लॉन्च की है भी जो लेन भी चेंज करेगी। अच्छा अभी तक महिंद्रा फिक्स लेन में चल रही थी, अब वो लेन चेंज करेगी, उन्होंने ऐसा कंसेप्ट दिया है। सही है, मोस्टली आई फील के इंडियन ड्राइवर के जो साइड के जो दो मिरर होते हैं ना रिवर्स मिरर वो बंद होते हैं उनमें बहुत कम लोग देखते हैं सीरियसली, जबकि उसमें देखना चाहिए।
वो बीच वाले मिरर से ही काम चला लेते हैं। हाँ, अगर पीछे अगर साइड में ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी यूज नहीं करते, अगर दो मिरर यूज करें तो वहाँ पे छोटे ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी आते हैं। अगर हमारी कार के बाजू में कोई कार है तो वो बड़े मिरर में नहीं दिखेगी, तो उसके लिए वो छोटे ब्लाइंड स्पॉट मिरर आते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उसमें वो दिख जाती है। तो अगर कोई, अगर मैं कार चला रहा हूँ, अगर यहाँ पे बाइक बाजू में बाइक है तो वो छोटे मिरर में नहीं दिखेगा। अगर कुछ आ गया, मेरे को लेन चेंज करना रहा, मैंने कुछ देखा नहीं साइड पे, वो छोटे मिरर में बड़े मिरर में देखा, आप साइड कर दी, तो ये वहाँ पे सब लोग लगाते हैं, मोस्टली वो लगाते हैं। ओके। और अगर लेन चेंज करनी है तो दो बार देखेंगे फिर लेन चेंज करेंगे आगे जाएं। बराबर सिस्टम से चलेंगे। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन लोगों का कनाडा या आउट ऑफ इंडिया कहीं पे भी उनको जाएं तो ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग लेके जाना इजी होगा? इजी होगा, बहुत इजी होगा। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं कनाडा या कहीं पे भी, तो आप ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग जस्ट ऑटो में आके लीजिए। हम आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेंगे जहाँ आप बाहर जाके एक अच्छा पैसा कमा सकें। जस्ट ऑटो के फैकल्टीज कैसे हैं? ऑसम। मैंने सोचा नहीं था मैं पूरा कोर्स एक हफ्ते में ख़त्म कर पाऊँगा। मेरे को लगा आराम से दो तीन वीक तो लगेगा, दो तीन वीक भी नहीं, महीना तो खींच जाएगा। पर जिस हिसाब से फैकल्टी ने मेरे को टीचिंग करवाया, मैंने नॉलेज लेवल कैसा है हमारी फैकल्टी का? देखिए, आप प्रोग्रामर हैं, इतना हाँ। बड़ा काम कर रहे हैं, आपका कनाडा में खुद का ओन वर्कशॉप है, एक्सपीरियंस भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप फ्रेशर हैं, केवल हार्डवेयर का नॉलेज लेना है। सॉफ्टवेयर हाँ। में तो जो हमारे पास भी टूल नहीं है, वैसे महंगे टूल आपके पास हैं। तो उन सबको कंपेयर करते हुए जो मेरी फैकल्टीज हैं यहाँ पे, अलग अलग फैकल्टी से आप मिले हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका नॉलेज लेवल कितना है? ऑसम। आप बोलो तो मेरे को 10 में से रेटिंग देने, तो 10 में से 10 10 में से 10 देंगे। हाँ। अगर ECM, मैंने यहाँ पे ECM रिपेयर का सीखा रहा है, तो उसमें बेसिकली क्या होते हैं, कंपोनेंट रिपेयर भी आ गया, सॉफ्टवेयर रीडिंग भी आ गया, हार्डवेयर को कैसे ट्रेसिंग करना है ऑनलाइन ऑफलाइन वो भी आ गया। तो वो चीज़ें ECM में अकेले में काम नहीं आती। अगर अगर फ्यूचर में हम हाइब्रिड व्हीकल पे काम कर रहे हैं, किसी भी PCB बोर्ड पे काम, हाँ किसी भी PCB बोर्ड पे, इले ऑटोमोटिव की किसी भी बोर्ड देख लो, BCM आ गया, मैंने बोला वैसे हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल कार के बोर्ड आ गए, तो उस पे काम कर सकते हैं। अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को पता चल गया कि अपने बेसिक कंपोनेंट है, रजिस्टर कैसे काम करता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है, उसको ट्रेसिंग कैसे करते हैं, तो वो काम ईजी हो जाता है। अगर फ्यूचर में अपने को अपग्रेड होना है हाइब्रिड के लिए, EV के लिए, तो हम रेडी हैं। रेडी हैं, थोड़ा हमको ट्रेनिंग चाहिए, बट हम रेडी हैं। ओके। नहीं, हम लोग कर रहे हैं। हाँ। और आपने देखा होगा कि हमारी फैकल्टी भी दिन रात मेहनत करती है, हर नई चीज पिन आउट बना रही है। हाँ। कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए हमारी फैकल्टी को ऐसे ब्रिलियंट लोग ही समझ पाएंगे कि हमारे पास वाकई ब्रिलियंट फैकल्टीज हैं। जो आप में यदि सीखने की क्षमता है तो हम बहुत अच्छे से उसको सिखा सकते हैं, क्योंकि मेहनती लोग हैं और सारे मेहनती हैं, आलसी कोई नहीं है। सब लोग जितना कोशिश करते हैं उतनी फुल कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ वही फैकल्टी है जिसको ऑटोमोबाइल में मज़ा आता है, उनका जीवन है ऑटोमोबाइल, वो ऑटोमोबाइल से बेतनाह प्यार करते हैं, तो सीखते भी हैं और सिखाते भी दिल से हैं। अभी आज मैं आया, तो आज मैं ऑलमोस्ट यही था, ये आज का इंटरव्यू था, तो आज मैं फैकल्टी के साथ बाहर BS6 का बोलेरो था उस पर काम करा, तो सभी ऐसे इंजॉय करके काम कर रहे थे कि बीच कुछ नया आ रहा है या नहीं, कुछ नया आ रहा है कि नहीं। तो BS6 का नया था। हाँ, वो अपना 2023 की गाड़ी, नई कार थी उसका। 2023 का एक महिंद्रा का बोलेरो आया हुआ है जो किसी कहीं पे भी रिपेयर नहीं हुआ, और आखिर में हमारे पास आया कि साहब जितने दिन में रिपेयर करना है कर देना, पर हमारा रिपेयर कर दो। तो सब लोगों ने उसको देखा, और सब लोगों ने मतलब फैकल्टीज उस पर देख रहे थे, और हमारे फैकल्टी ने उसको कर भी दिया। अभी निकल से गाड़ी स्टार्ट भी करके डिलीवरी होने वाली है। तो मजा आया मतलब। और उस तक कोई मना नहीं करते, आ जाओ चेक करते हैं, देखते हैं बड़े प्यार से। आने तो दो एक बार देखते हैं क्या है, नहीं क्या नहीं, राइट। नहीं, और हमें हमारे पास सारी प्रीमियम गाड़ियाँ अहमदाबाद में, जहाँ भी कोई गाड़ी फंसती है प्रीमियम कार्स हमारे पास आती है मॉड्यूल रिपेयर के लिए। ये हमें प्राउड है हमारी फैकल्टी पे कि हम ना वर्ड नहीं बोलते, ओके कर देंगे, टाइम लगेगा कर देंगे, हमारे पास टाइम होगा तो करेंगे। हमारी फैकल्टी और जो वर्कशॉप मैनेजर हैं वो भी बहुत अच्छे मेहनत करते हैं। सही है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आज आपने टाइम भी दिया हमको, और कनाडा में आप बहुत अच्छा काम करें, और बहुत जल्दी हम आपको जस्ट ऑटो की फ्रेंचाइजी देने वाले हैं। कोलैबोरेशन करेंगे उसमें, हम जस्ट ऑटो का कोलैबोरेशन कर रहे हैं कनाडा में मनोज भाई के साथ, और एक लेवल पे बहुत जल्दी हमारा कनाडा में भी ट्रेनिंग सेटअप
का स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो केवल ओनली प्रोग्रामिंग का होगा कि हम एक प्रोग्रामिंग का ही चालू करेंगे, क्योंकि वहाँ प्रोग्रामिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अभी। और उससे क्या फ़ायदा होगा कि मनोज भाई जैसे लोगों से वहाँ जो अभी हम 2 या 3 साल पीछे चल रहे हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे स्टूडेंट तक पहुँच जाएगी और हम उसके लिए अवेयर होना चालू हो जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस और इसी तरह के ब्रॉडकास्ट को लेके हम कंटिन्यू आने की कोशिश करेंगे और अपने ब्रॉडकास्ट में सुधार करते जाएंगे। आपको किस किस सब्जेक्ट पे, कैसे कैसे टॉपिक पे ब्रॉडकास्ट चाहिए, डिटेल में और कैसा करना है, आप अपने सजेशन हमें कमेंट्स पे लिख सकते हैं, ताकि हम अपने आप को सुधारें और आप तक राइट प्रोडक्ट और राइट नॉलेज हम आपको दे सकें, जिसकी भी आपको जानकारी चाहिए। और मनोज भाई जैसे लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है या इंजीनियरिंग करने वाले हैं, तो मैं सजेशन जरूर दूंगा कि आप ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट चूज कीजिए। बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत पैसा है। आप मनोज के चेहरे से देखिए कि किस उम्र में कितना पैसा कमाया है। कितना एज होगा मनोज भाई, मैंने ये पूछना भूल गया आपसे। 27 यस। और 21 तो फिर क्या, किस ईयर से कमाना चालू किया? मैंने चालू किया अभी 4 साल ले लो, कोविड से ही आए, 19 से आया। हाँ, 19 से ले लो। तो 19 से आप पहले काम करते थे, पर ऑटोमोबाइल में 19 से। हाँ, ऑटोमोबाइल में 19 से। तो ऑटोमोबाइल में भाई 23 साल से उम्र में लग गए, 27 साल के हुए हैं, इंडिया आए हैं। मुझे क्रैश कोर्स का 50,000 रुपीस पे किया है और बड़े खुश होके पे किया है कि हाँ वर्थफुल है। हाँ। और हमने भी पूरा मेहनत करके इनको सिखाया है। तो आप सोचो कितना पैसा, अभी बताएंगे नहीं, पर अच्छा पैसा। मैंने जो बोला अभी, जो मैंने आपने आपको टूल्स बोले, वो सारे, मैंने सारे कोई लोन बोन पे नहीं लिए, कमा के लिए उसको। मतलब इंडियन कॉस्ट में कम से कम 30 से 40 लाख के टूल इन्होंने कमा के लिए हैं, अपना वर्कशॉप बनाया है, अपने सारे खर्चे निकाल रहे हैं। इंडिया आना और जाना मतलब 2.5 लाख रुपया खर्च होता है जब आदमी इंडिया आता है। 2.5 लाख कितना खर्च हो जाता है? आराम से उतना, 2.5 लाख रुपया करीब। एयर टिकट मान लीजिए आप 1.5 लाख का, तो 1,20,000 60,000 टिकट है मेरे ख्याल से, 60,000 ना, 60,000 वन वे का, तो 1,20,000 तो 30,000 तो केवल आपका टिकट का खर्च हो जाता है। वो सारे खर्चे साल में एक बार इंडिया आते हैं, इंडिया तो आना तो टिकट का खर्चा हो गया, फिर यहाँ के भी खर्चे गिनने के तो रहेंगे, यहाँ के खर्चे, रहना, कनाडा में रहना, खाना पीना, वहाँ पे जो अपना वर्कशॉप चालू है तो उसका रेंट चालू है, कार है तो उसके ईएमआईस चालू है, वो भी अपने को देखना रहता है। सारा खर्चा निकाल के भी सेविंग हो जाती है। हाँ, हो जाती है, अच्छा खासा पैसा। हाँ। भाई देखो बहुत अच्छा पैसा है। और ऑटोमोबाइल में हम भी इस फील्ड में आए तो यही सोच के, हमें पता है कि फ्यूचर ऑटोमोबाइल में बहुत ब्रिलियंट है, बहुत बड़ा फ्यूचर है जिसपे हमें काम करना चाहिए। और जैसे जैसे हम आपको ऑटोमोबाइल के लोगों से मिलाएंगे, आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा काम है ऑटोमोबाइल में, और हमें वापस ऑटोमोबाइल के सब्जेक्ट लेने चाहिए। बीई इंजीनियरिंग, ये सब सब्जेक्टों में ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट लीजिए, और यदि आपको ऑटोमोबाइल से प्यार है तो मज़ा आ जाएगा काम करने का। तो आपको पुनः बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बहुत अर्न करें, हमें वहाँ बुलाएं, हम भी वहाँ आते हैं और जस्ट ऑटो को एक बार स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मिस्टर पटेल।